कांग्रेस अधिकतर राज्यों में हाशिए पर पहुंच गई है। राज्यों में पार्टी नया नेतृत्व पैदा नहीं कर पाई है। पार्टी नेता भी स्वीकार करने लगे हैं कि कई जगह तो पार्टी का संगठन ही नहीं बचा है, जिससे कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस की ये कमजोरी अब उसके गठबंधन सहयोगियों पर भारी पड़ने लगी है। तो किस तरह अपने ही सहयोगियों को कांग्रेस पहुँचा रही है नुकसान, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी तेजस्वी विपक्ष में बैठेंगे। आरजेडी को 35 सीटें मिली हैं और पार्टी का स्ट्राइक रेट भी 50 से ज्यादा 52.8% रहा है। लेकिन सत्ता नहीं मिल पाई क्योंकि आरजेडी का कांग्रेस से गठबंधन था, जिसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 सीटें जीती। इस तरह कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बनता है 27.1%। राज्य में कांग्रेस का संगठन कमजोर था, ये बात तेजस्वी भी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस को लड़ने के लिए 70 सीटें दी। अब तेजस्वी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब कांग्रेस इतनी कमजोर थी तो उसे 70 सीटें क्यों दी गई, जिस कारण आज महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। अब तेजस्वी ने कांग्रेस को ये सीटें आसानी से तो दी नहीं, इसके लिए कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाया था। कांग्रेस की तरफ से तो चुनाव से पहले ये संकेत भी दिए जाने लगे थे कि 70 से कम सीटें यदि महागठबंधन में नहीं मिलती है तो पार्टी अकेले लड़ेगी। वैसे दबाव तो 80 सीटों के लिए भी बनाया गया था। कांग्रेस के दबाव में तेजस्वी को 70 सीटें उनके लिए छोड़नी पड़ी और आज तेजस्वी अपने इस फैसले पर अफसोस कर रहे होंगे। बिहार अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस के कारण गठबंधन सहयोगी को नुकसान हुआ है। पिछले साल ही झारखंड में भी ऐसा ही देखने को मिला। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में कांग्रेस का झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के साथ गठबंधन था। जेएमएम के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था। जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 30 जीती। उसका स्ट्राइक रेट 70% के करीब रहा। राज्य में बीजेपी जो सत्ता में थी उसके खिलाफ लहर चल रही थी, फिर भी कांग्रेस 31 सीटें लड़कर सिर्फ 16 सीटें जीत पाई। उसका स्ट्राइक रेट जेएमएम की तुलना में बहुत खराब रहा। झारखंड के बाद बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां 2019 में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने शरद पवार पर दबाव डालकर 288 सदस्यीय विधानसभा में 147 सीटें ले ली, जिसमें से कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली, जबकि 141 सीटों पर लड़कर एनसीपी 54 सीटें जीतने में कामयाब रही। लोकसभा चुनावों में भी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने एनसीपी से ज्यादा सीटें ली, लेकिन नतीजा वो ही रहा। एनसीपी ने कांग्रेस से दोगुनी सीटें जीती। जिस तरह से अभी बिहार में कांग्रेस की कमजोरी तेजस्वी की सरकार बनने में रुकावट बनी, ऐसा ही 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 8 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण 234 सदस्यीय विधानसभा में यूपीए 98 सीटें ही जीत पाया था और डीएमके सत्ता से दूर रह गया। 2016 में हुए केरल विधानसभा चुनावों में भी ये ही कहानी दोहराई गई, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन अपने सहयोगियों की तुलना में बेहद खराब रहा था। इसी तरह 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने सपा से गठबंधन किया। अखिलेश यादव कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने दबाव डालकर 114 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से उसे सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली। वहीं 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़कर सपा को 47 सीटें मिली, यानी सपा का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 2.5 गुना अच्छा रहा। इन नतीजों से साफ दिख रहा है कि आज कांग्रेस अपने सहयोगियों पर ही बोझ बन गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।